जब गाइस मैं इस कार को बाय नहीं कर पाया मर्सिडीज 300 LRS, तो मैंने सोचा कि मेरा जी कर आखिरकार क्या फायदा कि मैं इस कार को परचेज नहीं कर पाया। मैंने स्पेशली जंकयार्ड बनाया जिसमें कितनी न जाने कार्स बाय करके रखी, बट अब मुझे ये कार चाहिए। ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तो मैंने उसी के लिए मतलब जो अपना आप भी रिसेंटली वीडियोस में मनाया था लैम्बोर्गिनी शोरूम में, उस शोरूम को पूरा का पूरा खाली करने वाला हूँ, जो कि हाई प्राइस में बेचूंगा। और ऑलमोस्ट मुझे चाहिए 10 करोड़, जो कि मर्सिडीज 300 LRS है, जिसकी प्राइस 13 करोड़ या फिर 11 करोड़ में, जो कि अब तक की हाइस्ट कार में आती है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और आप जैसे ही गेम स्टार्ट करते हो तो इंट्रो के वक्त उसका ही पिक आपके सामने मतलब थंबनेल के रूप में आता है। बट मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट मुझे वो कार चाहिए, बाकी सब फाइनल है। चलो तो पहले एक लैम्बोर्गिनी शोरूम को मैं खाली कर लेता हूँ गाइज। और एक बात गाइज, वीडियो लास्ट तक वॉच करना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और गाइज यहाँ तक वॉच किया है तो एक और रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। तो गाइज जितने में मैंने कार परचेस करी थी लैम्बोर्गिनी, कम से कम मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं 1 लाख या फिर 2 लाख एक्स्ट्रा लूंगा। उसके लिए मुझे चाहिए 10 करोड़ डॉलर। वो कार चाहिए ना अपने को, 10 करोड़ डॉलर चाहिए, तो 10 करोड़ डॉलर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ गाइज कैसे है ना, वीडियो लास्ट तक वॉच करना, इतनी ज़्यादा सुपर कार आई है ना इसमें, तो आप मतलब सच बता रहा हूँ माँ कसम हैरान हो जाओगे कि आप बताओगे कि भाई कितनी सुपर कार परचेस करोगे। पूरा ही स्टूडियो में मतलब पूरी की पूरी सुपर कार रिवील होगा, स्पेशली वीडियो बनाऊंगा वो बात अलग है, बट इसमें पूरी की पूरी सुपर कार रिवील होने वाली है। तो कैसा है ना, एज अ रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो लास्ट तक वॉच करो, सच बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट कि वीडियो लास्ट तक वॉच करो। आपको मतलब इजीली समझ आएगा कि मैंने कितनी ज़्यादा सुपर कार मतलब इजीली बाय की, और कितने ज़्यादा अभी देख सकते हो 1 करोड़ डॉलर है, तो मेरे पास 10 करोड़ डॉलर कमाने के लिए कैसे कमाऊँगा वो भी देख लो, आप भी ईजिली समझ जाओगे कि कैसे कमाते हैं। ओके चलो, बाहर भी खड़ी है लैम्बोर्गिनी, जल्दी जल्दी मुझे सेल करना होगा भाई, क्योंकि मुझे और भी कार्स और भी काम है। जैसे मैंने वो कार को मतलब मेरे ऐसा सामने से गई, तब मेरे पास ओनली 137 लाख थी, जिसकी जो होते हैं सेलर प्राइस, जो कि बोलते हैं ना ऑक्शन जैसे ही खुलता है, तो स्टार्टिंग में जो अपन इन्वेस्ट कर सके उसमें वही 57 लाख था। मैं वो एक तक नहीं डाल सकता था भाई, जैसे भले ही मेरे वेस्ट हो जाते बट वो तक नहीं डाल सकता था, इतनी ज़्यादा कार महंगी है मर्सिडीज 300 LRS। बट वो हमें चाहिए, तो मुझे वो चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद वो मिलेगी, तो उसके लिए मुझे इन कार को सेल करना होगा। आखिरकार लैम्बोर्गिनी सोल्ड आउट ये वाला टाइटल अगर आप देखते हो तो भैया वीडियो लास्ट तक वॉच करो, जिसमें मैं और भी सुपर कार्स बाय करने वाला हूँ, इतनी ज़्यादा सुपर कार बाय करने वाला हूँ कि क्या ही बताऊँ। और उस सुपर कार का टेस्ट भी करेंगे, और टेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जाहिर सी बात है आएगी, और इस वीडियो में अगर आप देख लेते हो तो पूरा का पूरा रिवील होने ही वाला है कौन सी सुपर कार लेने वाला हूँ। और चला कर तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप बताते हो 1 आवर की वीडियो आप वॉच कर सकते हो तो मैं बनाऊँ आपके लिए। ओके चलो देखते हैं क्या होता है। तो अपनी लैम्बोर्गिनी 7 लाख में सेल करनी होगी, बाकी की बातें एक तरफ, और पहले देखते हैं इन लैम्बोर्गिनी को मुझे सेल करना होगा। और भैया ये सेल करने आया अपनी कार या फिर घुमाने आया, बट कोई बात नहीं, चलो 8 लाख में लेता है क्या देखते हैं। ओके उसी के साथ साथ वॉइन लाइनर जो है अपना मतलब पूरा का पूरा शोरूम अभी खाली हो चुका है, जो कि अपना ऑफिस के सामने ऐसा खाली खाली लग रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी की पूरी सुपर कार आ जाए, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं लाकर बताऊँगा आप लोगों को। चलो अभी भी मतलब 10 लैम्बोर्गिनी तो बची हुई है, चलो ये कितने में ले रही है, ओके 7 लाख, बट मुझे यहाँ पर 9 लाख या फिर 8 लाख मिल जाना चाहिए। ओके 8 लाख मिल चुका है, और उसके साथ साथ 8 बची है अभी कार्स। ओके 9-10 लाख, 29 लाख तो मिलना चाहिए, बट 23 लाख। ओके चलो कोई बात नहीं, ये तो ईजिली मिल जाएगा, मैंने 29 लाख तक बेची है भाई कार्स, आपको पता नहीं होगा बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने 10 करोड़ डॉलर कैसे इजीली कमाए वो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने हाई रेटिंग वाली कार से बेची है। इसके लिए कोई ग्लिच नहीं है, हैक नहीं है, बट है जो कैसा कमाना है आपको पता है, 1 लाख 2 लाख आप इजीली कमा सकते हो, बट आपको खेलना होगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर आप इतना टाइम दे सकते हो। मैं सच बताऊँ तो भाई मेरे 24 आवर में से 10 आवर कैसे जा रहे हैं पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग अगर रिसेंटली वाली 4 वीडियोज़ देखोगे ना, तो मैंने 2 डेज़ इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, मेरे पास तो पहली वीडियोज़ थी मैंने बना के रखी थी, ऑलमोस्ट मैं 1 वीडियोज़ डेली पोस्ट करता था, बट अभी के लिए मैंने 4 वीडियोज़ बनाई है। 4 वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए भाई, पूरे के पूरे 2 दिन लग गए, क्योंकि 4 वीडियोज़ में मैंने स्टार्टिंग में जंकयार्ड बना दिया स्पेशली, जिन कार को मैं मतलब 0 डॉलर चैलेंज लिया, उसके बाद में 10 करोड़ वाला चैलेंज तो लिया, बट मैं ये चैलेंज नहीं दिखाना चाहता था आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक चैलेंज करके रखा है जो कि 15 मिलियन डॉलर वाला चैलेंज है, तो बाकी के चैलेंज मैं आपके सामने नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद में पोस्ट करने के लिए भी दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना। ओके चलो देखते हैं और क्या होता है। तो ओके ये वाली कितने में लेगी, ओके 24 लाख, चलो मैं जल्दी जल्दी सेल कर देता हूँ, और देख सकते हो मेरे पास 3 करोड़ से भी ज़्यादा डॉलर हो चुके हैं, मतलब 3.5 करोड़, 3 करोड़ 45 लाख। ओके चलो
देखते हैं क्या होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा वक्त बचा है, अभी मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वक्त है। चलो इन लैम्बोर्गिनी को भी ले लेता हूँ अंदर, और फिर इन कार को भी सेल कर दूंगा। और गाइस वीडियो यहाँ तक वॉच करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। बट यार गाइस और एक बात, सब्सक्राइब कर दो यार, याद से कोई बात नहीं है, कर दो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री होता है। चलो इसको भी सेल पर लगा देता हूँ। मेरे पास जितनी ज़्यादा लैम्बोर्गिनी है भाई, और मैंने जो सुपर कार रखी है डॉज वाइपर, मज़दा एक्स, RX-8, इन कार को मैंने साइड में लगा दिया है, क्योंकि इन कार को अगर मैं गलती से भी सेट कर देता हूँ तो मैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको सुपर कार वाला बताने वाला हूँ, कि बहुत ज़्यादा सुपर कार इसमें ही मैं बाय करने वाला हूँ, तो वो जो मैं बताना चाहूँगा वो कैसे बता पाऊँगा फिर अगर मैं ये गलती से भी एक भी कार सेल कर देता हूँ तो। ओके गाइज, मैंने स्टार्टिंगली एक वक्त पे बैठ के मतलब 2 से 3 वीडियोस बना दी, तो मेरा गला काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है और सूख भी रहा है। तो इससे पहले कि मैं और ज़ोर से चिल्ला के आपको बोलूँ कि कर दो सब्सक्राइब, उससे पहले आप कर दो यार, कर दो। चलो ओके, और भी लैम्बोर्गिनी, और ये अपनी मर्सिडीज G63 क्यों बेचने आए भाई? हमने तो ऐसा चैलेंज किया है कि कोई हाई रेटिंग वाली कार परचेस करेंगे, बट ये क्यों? ओके 22 लाख, बट नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, 27 लाख। ओके हमारी लैम्बोर्गिनी 27 लाख में बिक चुकी है, और आपको मैंने बताया होगा कि मैंने इन कार को तो मैंने रिपेयर नहीं किया है, बट बाकी की जो कार से उन कार को मैंने रिपेयर करके रखा है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो लेट्स गो, हम मार्केट आ चुके हैं। मार्केट आने के बाद अगर मुझे कोई अच्छी सी कार्स मिलती है तो मैं पैसे कमा लूँगा, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ 11 करोड़, और फिर उसके बाद में वो कार ख़रीदनी है, मतलब ख़रीदनी है। चलो देखते, चलो अपनी मैकलेन मैंने ले ली है, एक मैकलेन बाय की है और एक लैम्बोर्गिनी बाय कर लेता हूँ। ओके इसकी प्राइस है 5 लाख, 5 लाख की अराउंडिंग 5 लाख पकड़ लो, क्योंकि बाकी की जो रेट होती है वो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पड़ेगी भी नहीं भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जैसा कार पोर्ट्रेट में मिलता है वैसा नहीं है। बट उसके साथ साथ गाइस एक हैक ट्रिक है कार पोर्ट्रेट में, जिससे ऐड देखकर जितने आपके अराउंडिंग डॉलर है उतने आपके पास, अगर 10 लाख डॉलर है तो आपको ऐड आएंगी 1 लाख की। ये भाई हमको हजम नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, चलो यार हमें इससे लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कार पोर्ट्रेट की, उसमें हम बाय करेंगे, शायद से तो बताना नहीं चाहता हूँ, बट बताऊँगा कि मैं ऑलमोस्ट 1 या 2 लाख की कार बाय कर सकता हूँ, मैंने इतने ज़्यादा डॉलर उसमें मतलब कमा लिए। ओके देखते हैं अभी क्या होता है। तो जैसे ही ऑक्शन खुलेगा, और ऑक्शन से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की कि ऑक्शन में बस इजीली बोल रहा हूँ कि सुपर कार भी। ओके गाइस फाइनली हमें मिल चुकी है मज़दा RX, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है और सूख भी रहा है, पानी। चलो और कोई बात नहीं, मीम्स वाले कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। चलो हमें मिल चुकी है मज़दा RX-8। चलो ओके गाइस देखते हैं अभी क्या होता है। तो हमें मिल चुकी है ऑक्शन से मज़दा RX-8, और फाइनली हमें दो सुपर कार हो चुकी है हमारे पास, जो कि ओनली मज़दा RX-8। ओके फाइनली हमने बाय कर लिए, उसके बाद गाइस हमें और एक बार ऑक्शन ओपन करना है, और मैंने जितनी बार ऑक्शन ओपन किया है उतने में मुझे अच्छी कार्स मिली है। चलो गाइस उसके साथ साथ आ चुकी है हैमर YS-2, तो ये तो सुपर कार्स में नहीं आएगी, बट ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेस्ट कार है। भले ही ऑक्शन में आपको सस्ते दाम में मिलती होगी 15,000 या फिर 18,000, बट नहीं गाइज, इस कार की अगर आप देखो ना डिज़ाइन, ये जो शार्पलेस है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और अट्रैक्टिव बनाई हुई है, जो कि मतलब कोई अगर न्यू यूज़र है तो उसके अगर बाई चांस ऑक्शन में आ जाती है तो वो उसको यूज़ करके खेलेगा, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से अच्छी दिखती है, तो समझ रहे हो ना। ओके चलो देखते हैं क्या होता है फिर आगे। तो और गाइस आगे मैं और भी ज़्यादा सुपर कार्स बाय करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे वापस से ऑक्शन खोलना होगा, और इसी ऑक्शन के अंदर तो वीडियो एंड होने वाली है, तो मैंने कौन सी सुपर कार खरीदी है वो भी देख लेना कैसा है ना। चलो इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिला। ओके वापस से एक बार ऑक्शन ओपन होने वाला गाइस, तो अपनी सांसें थाम के रखो, क्योंकि हमें मिलने वाली इसमें और एक सुपर कार। ओके तो हमें मिल चुकी है डॉज वाइपर। ओके गाइस डॉज वाइपर हमें इजीली मिल चुकी है, और उसके साथ साथ हमारे पास तीन डॉज वाइपर हो चुके हैं। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डॉज वाइपर वालों जल्दी जल्दी लाइक ठोको। ओके ऑलमोस्ट हमारे पास 3 से 5 सुपर कार हो चुकी है। ओके गाइस चलो देखते हैं अभी जल्दी जल्दी बाय कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैंने पिछले इसमें बाय करी थी 1,30,000 इतना कुछ, बट अभी मैं इसको सस्ते प्राइस में बाय करना चाहता हूँ। ओके 92,000 की अराउंडिंग चली गई है। चलो देखते हैं, आप सुपर कार के लिए कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुपर कार हो चुकी है। ओके गाइस उसी के साथ साथ हमने बाय कर ली अपनी डॉज वाइपर, उसके बाद देख सकते हो मज़दा RX-8, जो कि मैंने इजीली अभी 1 मिनट के अंदर ऑक्शन से बाय करी। अगर आपको भी चाहिए सुपर कार तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे मिल सकती है। ओके लेट्स गो देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस ओके उसके साथ साथ और एक सुपर कार आने वाली, अपनी सांसें थाम के रखो। ओके 1
2, 3, 4। ओके गाइस, थोड़ा सा वेट करो, अपने पास आ चुके अपोलो इंटिंसा। ओके, ये अपने आप में एक सुपर कार है जिसके पास किसी के भी पास नहीं होगी गाइस। अगर आपके पास है तो कमेंट करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो भाई, मैं मान जाऊंगा आपको। ये जो मैं फर्स्ट बंदा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे मिली अपोलो इंटिंसा कार्स जो कि अपने आप में एक सुपर कार है। और उसके साथ साथ गाइस अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम आगे आ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कार है जिसको मैं परचेज नहीं कर पाया, उसके लिए मैंने 10 करोड़, अभी देख सकते हो मेरे पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा डॉलर है। बट जो सुपर कार मुझे मिली है ना भैया, उससे भी ज़्यादा रियर डे। बट क्या कर सकते हैं हम, रियलिस्ट चीज़ें तो कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। बट आप लोगों को तो दिख रही होंगी वो 11 करोड़ की कार, बट वो कार भी हम लेंगे, क्योंकि अभी देख सकते हो कि 10 करोड़ 81 लाख इतने ज़्यादा डॉलर है मेरे पास, बहुत ज़्यादा डॉलर है, पैसों में अंधा हो चुका हूँ गाइस। ओके, देखते हैं, अभी वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद देखते हैं कोई और कार्स आती है तो फिर उसको बाय कर लूँगा। अभी मैं कार्स तो ऑक्शन से ही बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुपर कार का एक चैलेंज लिया हुआ है तो मैं उन सुपर कार को ले रहा हूँ। तो कैसा है ना, करो यार वॉच करो लास्ट तक। चलो, अपनी अपोलो इंटिंसा आने वाली है सुपर कार जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसका थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद में उसकी एक राइड लेंगे। उसके साथ साथ गाइस स्पेशली अपोलो इंटिंसा के ऊपर एक स्पीड टेस्ट या फिर मतलब इसका कलर पेंट वगैरह वगैरह, इसका पूरा का पूरा टेस्ट के साथ कैसी है, कितनी प्राइस है, परचेस प्राइस, सारी की सारी स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। तो ऐसे सब्सक्राइब करके रखो, वैसे ही मैं सुपर कार बाय करते रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है सुपर कार। ओके, थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुकी है और वीडियो एंड भी होने वाली है, तो करो ना यार सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। ओके गाइस, देखते हैं फिर बाकी क्या होता है बाद में। तो चलो अपोलो इंटिंसा, ओके गाइस, ये हमारी कार आ चुकी है, देख सकते हो आप, इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिया गया है। कार फॉर सेल की अब तक की सबसे रियरेस्ट कार अपोलो इंटिंसा जो कि अपने आप में एक सुपर कार है। बट हम क्या करें, आप इस कार को हमें चलो लेके जाते, चलो इस कार को हमने बाय कर लिया है जो एक सुपर कार। तो मैंने अब तक पहले जब से मैं कार फॉर सेल खेल रहा हूँ तो मुझे एक सुपर कार मिली जो कि अपोलो इंटिंसा में इस कार को मतलब भूल नहीं पाऊँगा। बाकी सभी डोर चौहे पर है, बाकी कितनी ज़्यादा कार है, और ये को स्टार्टिंग वाली मर्सिडीज 300 LRS, ये दो कार से जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हो आप मेरे पास अभी कितनी कार से, मजदा RX, डोर चौहे पर 2 है और एक हैमर, नहीं सॉरी मजदा सॉरी डेट जो है पर 3-3 है। और इसके साथ साथ गाइज हमारी वीडियो एंड हुई, उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दो और कार कैसी लगी कमेंट में बताना।